नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप आज फिर आपको टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक हाई स्कूल से जुड़ी हुई वीडियो ले आज इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से दूसरा पार्ट लेके हैं, जो आपका अध्याय दो का यानी बहुपद पार्ट का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलने हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा से मार्क्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो बाद में लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो अनलाइक, उसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, बद्दा या तो जो अच्छा हो तो अच्छा कमेंट, बुरा हो तो बुरा कमेंट, कमेंट भी करना ज़रूर, ओके। तो इसके लिए हम चलिए वीडियो दिखाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का शून्यक है। यानी ये क्वेश्चन आपका है, तो इसका शून्यक किस मान के लिए, k का कौन सा मान मतलब आपको निकालना है, ये k का मान आपको निकालना है। तो इसी तरह से आपको देखते हैं, क्योंकि इसमें -2 बहुपद जो है इसका एक शून्यक -2 एक शून्यक हो गया आपका, यानी आपका शून्यक एक शून्यक दे दिया गया। अगर इसको हम चेंज करते हैं, -2 को अगर चेंज करते हैं तो इसको हम x का मान अगर मानते हैं तो x की जगह इसका मान हम, जैसे पी एक्स है तो x की जगह -2 एक शून्यक हो गया। जो भी शून्यक रहता है उसको हम एक मान मान लेते हैं, x y z जो भी हमारा रहता है हम उसको एक शून्यक हो गया। तो इसको हम x की जगह इसको हम मान रख के देखेंगे, जो समीकरण रहे हमेशा जो भी शून्यक दिया रहे उस शून्यक को हम एक मान लेंगे, यानी उसको हम x का मान मान लेंगे जो भी रहेगा। तो उसको हम x का मान मान लिए, तो ये देखिए x का मान हमें यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यानी -2 x बराबर है, तो इस x बराबर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान 2 रखने पर यहाँ पर 2 रख दिया, -2 और प्लस 2k, k तो k रहेगा। और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 का 2 घात करेंगे तो 4, और इसी तरह 4 का 3 गुणक 12 आ जाएगा, और इसका 4 दुना 8 आ जाएगा, 2k हो जाएगा। और इस तरह से ये सवाल आपकी आगे बढ़ जाएगी, जिसे -12 है, 12 में से 8 आपका घट जाएगा, और तो आपका 4 आएगा, जानते हैं 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा इधर 2k बराबर 4 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 4 -4 होगा, और के बराबर हो जाएगा ये 4/2, इसको काट देंगे तो -2, के बराबर -2, इसको हम काटेंगे। पक्षांतर का विधि आप जानते रहेंगे, अगर पक्षांतर ना कर पाएँ तो बताना, ओके। इस तरह से ये है, और उसके बाद दूसरी सवाल आपका ये है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये है आपकी दूसरी। 7x-x³-6 का एक शून्यक एक है, तब अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने पर, क्योंकि ये 3 घात है, देखिए यहाँ पर 3 घात है, ये 3 घात है, तो इसलिए इसको हम क्रम से लिखेंगे, पहले क्रम से लिख लेंगे। इन्हें क्रम से लिखने पर यहाँ पर हम क्रम से लिखे हैं, ध्यान रखिएगा ये क्रम से लिखा गया है, तो ये क्रम से लिखा गया है। तो इसको, इसका त्रिघात है, इसका बहुपद और इसका शून्यक एक दिया गया है, एक शून्यक दिया गया, तो बताएं हम एक शून्यक दिया गया, इसको हम एक्स में चेंज कर लेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो एक्स माइनस में आएगा, अगर यहाँ पर माइनस में रहेगा ये तो ये प्लस में आएगा, इस तरह लिखने पर। यानी जो चीज़ अगर यहाँ पर -2 है तो ये एक्स प्लस 2 आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस 2 होता, ये 2 होता तो एक्स माइनस 2 आता, इसी तरह जो भी मान रहेगा उसको हम उल्टा यहाँ पर एक्स मान लिख लेंगे और उसको उसी से भाग देंगे। अब एक्स माइनस 1 आ गया, इसको हम चलते हैं, इस पद को हम क्रम में लिख करके भाग दें, क्रम में लिखने पर इस तरह हो जाएगा, और क्रम लिखने पर इसको हम डिवाइड करते हैं। अब भाग करते हैं, भाग करने के लिए अगर आप भाग करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं भाग करने की विधि बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो भाग इस तरह से, जैसा कि आपको देख रहे हैं, एक्स का आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि एक्स की पावर 3 हो जाए, तो इतनी बार करेंगे तो इतना हो जाएगा, और हमेशा घटाने पर चिन्ह विपरीत बदल जाता है, तो बदलने पर घटाने पर टोटल ही हमारा ये 0 आ गया, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक डिवीजन हो गया। उसके बाद हम दिखाते हैं, और ये है आपका इतना, अगर हम जो मान निकलेंगे, जो भागफल निकल रहा है, भागफल को हम मध्य पद को गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम हल कर लेंगे, ओके। मध्य पद गुणनखंड द्वारा इसको हम हल कर लेंगे,
इसमें हमारा जो भागफल निकला ऊपर, ये भागफल को हम गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको हम 7 का मध्य पद द्वारा गुणनखंड आप 9th में सीखे होंगे, तो उसी तरह तो 6 का इतनी बार मतलब दो गुणनखंड, दो इसका गुणनखंड हेरना है, मतलब आपको बनाना है जो इस तरह हो जाए। इसका हम मतलब मध्य पद को तोड़कर इस तरह गुणनखंड किए, यानी 3 दूना 6, तो और 3 में से 2 गया तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड होगा, इसमें कामन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये गुणनखंड भी द्वारा हल करेंगे, अगर ना हल कर पाए जो मध्य पद उसको हम बताएंगे, अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत हो। इस तरह से ये आ गया, इसमें से आपका दो दो शून्य का रहे हैं, एक इधर है और एक है, तो दो शून्य का रहे हैं। मतलब पहले शून्य को अगर हम शून्य मानते हैं तो ये एक्स की पावर, सॉरी एक्स +3 को इसमें से एक ले लेंगे, ये ले लिए तो एक्स की 3 = 0 और एक्स -3, और उसके बाद इसमें से दूसरा ले लेंगे, दूसरा ये है आपका, दूसरा ले लेंगे तो इसको हम एक्स की -0 मान लेंगे और एक्स = 2। तो इस तरह से हम इसको हम हल करते हैं और उसके बाद शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो ये है आपका शून्य, देखिए ये इसमें से -3 मैंने 2 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी सवाल थी, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाएंगे क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको पूरा इसका जो भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी, उसका PDF डाउनलोड कर सकता है। ओके ठीक है, आइए हम नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। आपके नेक्स्ट सवाल ये है, इसको हम यहाँ से भी ये क्वेश्चन है, आपको विभाजित करना है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको विभाजित करने के लिए आपको इससे विभाजित करना पड़ेगा, ये जो देखिए इसमें इसको इससे इसको विभाजित करना, तो इसको हम पूरा लिख दिए हैं, आप इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। इसको डिवीजन है, डिवीजन आपको करने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं डिवीजन समझा दूंगा। ये इस तरह से डिवीजन हमने पूरा हल कर दिया है, डिवीजन आप पूरी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसका से भागफल आ जाएगा, भागफल यहाँ पर आने पर हम देखते हैं तो शेषफल पूरी तरह विभाजित हो, लास्ट में देखते हैं ये टोटल इसका गुणनखंड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड बन रहा है और उसके बाद टोटल और चीज़ें क्या हैं इसमें, यहाँ तक है, यहाँ तक है, देखिए ये यहाँ तक है और ये एक्स ए बराबर 1 और बी बराबर 7। तो ये है हमारा अगली सवाल थी, और इसके बाद हम अगली सवाल चलते हैं। ये आपका 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल में आपका ये सवाल है, देखिए पढ़ लीजिए। अन ये व्यंजक में आपके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि 2 शून्य के 1 √5/3 और 1 −√5/3 है तो दिए गए बहुपद के शून्य हैं, अगर ये हैं तो यहाँ से हल है। ठीक है, और तो इसको हम यहाँ से हल करेंगे, हल करने पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स का मान है। इसको हम वो सूत्र जो होता है उसी सूत्र पर रख लेंगे यहाँ पर, यानी कि हम इसको सूत्र पे रखने के बाद इस तरह डिटेल हो जाएगा। बहुत बड़ा है सवाल, इसको हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं, हम जान रहे हैं। अगर वीडियो लंबा बन जाएगा तो ये टोटल आपका ये है, यहाँ इसका डिवीजन किया गया है। ठीक है, ये डिवीजन इतना लंबा है और इस तरह से ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ भागफल आपका ये आ रहा है। इसका भागफल में आपका ये देखिए 0 इसका मान रखने है, अगर शून्य ज्ञात करना है तो ये टोटल आपको अगर समझ में नहीं आए तो बताना, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं 10 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये है अगली सवाल, ये अगली सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि 25 वाले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें से आपको इतनी सवालें हैं ये, ठीक है, तो इसमें से आपको एक हम एक सवाल हल कर देते हैं, बाकी आपको हल करना है। यानी अगर इसमें क्या बताना है कि आपको अगर शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो। तो हम पहली सवाल यहाँ पर ये लगाते हैं, ये पहली सवाल लगे, शून्यकों के योगफल 1/4 हो गया और शून्यकों का गुणनफल ये हो गया। अगर दोनों को हमें ये सूत्र, ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम देखिए, इस फार्मूले पर अगर हम रखते हैं, इस फार्मूले पर रखते हैं तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल ये है इसको हम रख दिए यहाँ पर, और शून्यकों का गुणनफल ये है इसको हम यहाँ पर रख दिए। टोटल इसको हम हल करते हैं तो के और इसको हम यहाँ पर बटा 1 मान के इसको हम तिरछे गुणा या लासा द्वारा इसको हल कर लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये हमारा देखिए ये हल इतना यहाँ तक आ जाएगा। ये सवाल थी, अगली नेक्स्ट सवाल थी, और इस तरह से एक सवाल और बची हुई है अभी, ये है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित px और qx से भाग देने पर शेषफल, भागफल और शेषफल ज्ञात करना हो। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना हो तो इसको भाग कैसे करेंगे, भाग बताने के लिए हम एक भाग लगा देते हैं और बाकी ये सवाल सभी सवाल को नहीं लगाया, एक सवाल लगाया हूँ। एक सवाल ये है आपके, देख लीजिए, भाग डिवीजन है टोटल,
यहाँ से, इसको हम इतनी बार भाग इसमें पढ़ेंगे कि इतना हो जाए। तो हम इसी तरह जिस तरह वो भाग करते हैं उसी तरह है, इसको पहले मानक रूप में लिख लेंगे, यानी क्रम से लिख लेंगे, क्रम से लिख करके तब हम भाग करेंगे, हमें इसका क्रम से लिखना है। क्रम से लिख करके तो हमें डिवीजन कर देना, भाग कर देना है, भाग करने पर ये रहता है। तो हमारा ये यहाँ तक इसका आंसर आ गया। तो इतनी सवाल थी, हमने 10 मिनट का वीडियो बनाना चाहा था, अगर इसको हम डिटेल समझाते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो ये सेकंड पार्ट का आपका बहुपद का था, इसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट का हम इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन आपको पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसका PDF जो भी चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसी तरह हाई स्कूल की और भी हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, जो आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आने हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और मेहनत को मेरी सफल बनाइएगा। ओके, और अच्छा ना लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, भरा आपको कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं। ठीक है, चलिए, आपको इसी तरह की वीडियो, मोबाइल और टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी चैनल पर, और स्टडी हाई स्कूल की नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, अंग्रेजी और गणित और सभी सब्जेक्ट की। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और टेक्नो प्लस स्टडी पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, लाइक। We'll be right back.